दोस्तों आज की वीडियो अपना अपना सुख ट्रांसफर होने पर हम दिल्ली आ गए थे। हमारे घर के सामने ही शांति निकेतन नाम के एक पास कॉलोनी थी। उसमें एक बड़े से लॉन में फूलों का एक सुंदर सा बगीचा था। वहाँ अक्सर एक बुजुर्ग महिला पौधे की देखभाल में व्यस्त रहती थी। मेरी उनसे मित्रता हो गई। वे भी सारा दिन घर में अकेली रहती थी तथा उन्हें भी मेरा साथ अच्छा लगा। बातों बातों में पता चला कि इतने बड़े घर में मात्र 3 प्राणी हैं, वो उनकी बहू और 8 वर्ष पोता। पति व बेटा एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। बहू व पोते के उत्तरदायित्व को समझकर उस महिला ने किसी तरह अपने आप को संभाला। अब तो दोनों सास बहू की जिंदगी का मकसद मिंटू का उचित पालन पोषण करना था। आंटी की परेशानी तो आती थी, फिर भी जब तक बहू मंजुली को नौकरी मिली तब तक घर की सारी जिम्मी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। निर्वाहित की समस्या थी। सच में आमदनी का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर में कोई नौकरी नहीं रखा था। आंटी और मंजुला के घर में कामों को लेकर बड़ा समस्या था। मंजुला ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके जाती थी, फिर आंटी घर में संभालती थी, जो कि बहुत काम घरों में देखने को मिलता है। मंजुली 3 ठाने में वापस आती थी। कभी कभी मेरे मुंह से निकल ही जाता, आंटी इस उम्र में भी आप बहुत काम करती हैं। उनका कहना था, मिट्टी का शरीर है, जितना हो सके उसे उतना काम लेते रहो। एक दिन बुढ़ापे में ना तो अपना असर दिखाना ही है। अब तो सब मेरी बहू मंजुली को ही संभालना होगा। एक दिन पास ही के मंदिर में सुंदर कांड होने ही वाला था, फिर हवन होना था। मैंने आंटी से कहा जाने की जिद की ओर बिना सोचे समझे यह भी कहा, बैठी अब आपकी उम्र पूजा पाठ की है, भजन कीर्तन किया करो, मंदिर जाया करो। आंटी मुस्कुराई और कहने लगी, देखो चाहे सुंदर कांड हो या सत्यनारायण जी का कथा हो, बार बार एक ही बात तो दोहराते हैं। नियति में मुझे भक्ति मार्ग से हटा कर्म पथ दिखा दिया है। अब भगवान में मेरा दिल का निवास करते हैं और मुंह से राम राम रहता है। घर के कामों में मंजुली का सहयोग करना, मंटू का पालन पोषण करना ही मेरा सुंदर कांड है। और शाम को मंजुला जब थकी हारी वापस आती है, उसे गर्मा गर्म चाय नाश्ता देना, रात में खाना खिलाना मेरा हवन है। मुझे इसमें असीम सुख मिलता है। समाज में सभी सास की अगर ऐसी सोच हो जाए तो सास बहू के रिश्ते में नोक झोंक की नौबत ही ना आए और वृद्ध आश्रम की संख्या भी कम हो जाएगी। एक सास की बहू के प्रति ऐसी प्यार भी आत्मिक सोच देख मैंने आत्मविहोर हो उठी है। और अपने पर शर्मसार आंटी को ये बात मेरे मन में छू गई।